असम मोहम्मदपुर गांव में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी गांव के चौपाल का कार्यक्रम हुआ संपन्न। बहराइच के रविवार को दिन ननपारा विधानसभा क्षेत्र के असम मोहम्मदपुर गांव में गांव-गांव चौपाल का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी की तरफ से असम मोहम्मदपुर गांव में किया गया। वही समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। वही समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार चलेंगे साइकिल, नहीं खेलेंगे इस बार कमल। वही समाजवादी पार्टी के बीजेपी पर जमकर उठाया सवाल। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृष्ण पटेल, ग्राम प्रधान राजेश वर्मा, जिला अध्यक्ष नंदेश्वर नंद यादव, लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष अर्जुन सोनू, युवा जन सभा जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड अजितेश मणि, जिला उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी कृष्ण खन्ना, जिला अध्यक्ष बलबीर वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नंदवारा कृपाराम वर्मा, वही विधानसभा अध्यक्ष धनी राम यादव, अरुण खान, कयूम खान सिंह आदि पदाधिकारी व भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ बहराइच। कार्यक्रम माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, यहाँ की जनता को मैंने बताया कि आप लोग को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, चाहे यहाँ जानवरों की समस्या हो। सबसे बड़ी बहराइच की समस्या जानवर की समस्या है। यहाँ छुट्टा जानवर फसलों खा जा रहा है, किसान बेचारा भुखमरी के आधार पर है, और यहाँ पे ना वृद्धा पेंशन मिल रहा किसी को, ना विधवा पेंशन मिल रहा, ना रोजगार मिल रहा। यहाँ की जनता बहुत परेशान है, सड़कें खराब हैं। इसी मुद्दे पे हम लोगों ने बातचीत की। यहाँ पे इतने गड्ढे हैं कि पेट में दर्द होने लगा। गड्ढे गड्ढे गड्ढा युक्त सड़क है, गड्ढा मुक्त कहाँ है? आए दिन ऐसे कई सवाल उठते हैं, योगी जी के ऊपर उठते हैं, मगर यहाँ के लोग विधायक जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, इस पर क्या कुछ है? विधायक जी को जी, विधायक जी पर क्या आरोप है? जैसे यहाँ पूरे प्रदेश में चले जाइए, हम तो पूरा प्रदेश टहल के आ रहे हैं, विधायक नहीं, किसी विधानसभा में किसी गांव में सड़क सही नहीं। हर जगह जो है सड़कें उभड़ खाबड़, कमर भर गड्ढे, समझिए हर जगह स्थिति खराब है, कहीं सही नहीं है। जनता को संदेश देना चाहता है कि आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल का बटन दबा दीजिए और समाजवादी पार्टी की सरकार बना दीजिए, यही कहने आया हूँ।